हेलो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन और इंटरवल। ठीक है, जहाँ तक हमें पता है कि क्लास ट्वेल्थ के सारे बच्चों को पता भी होगा क्योंकि इलेवेंथ में ये पढ़ाया जाता है और इसी ये सब हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यूनियन इंटरसेक्शन कहते किसको हैं। ठीक है, तो यूनियन में यूनियन का मतलब क्या होता है, देखो अगर तुम्हारे पास दो सेट हो, इफ ए एंड बी है टू सेट्स देन ए यूनियन बी मीन्स such sets in which all the elements which wi which either lie in A or in B or in both। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो A सेट है तुम्हारे पास, इसमें एलिमेंट है 1, 2, -3, -4, -5 ऐसे करके, और एक B सेट है जिसमें सेट है -10, 2, 3, 4, -5 और -3, ये सेट है। तो ए यूनियन बी क्या है भाई, तो लिखवाया गया कि इफ ए एंड बी हैव टू सेट्स देन ए यूनियन बी मीन्स सच सेट, ऐसा सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स विच आइदर लाई इन ए और इन बी और इन बोथ। मतलब कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जो ऑल द एलिमेंट्स, जो ए में लाई करेगा वो भी होगा, बी में लाई करेगा वो भी होगा, और जो दोनों में लाई करेगा वो भी होगा। और ये पता होगा कि सेट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट्स एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। तो अगर ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी में जितना भी प्रेजेंट है वो सारा, चाहे ए में प्रेजेंट हो चाहे बी में प्रेजेंट हो, तो सबसे पहले हम ए वाले सेट्स को लिख लेते हैं, 1, 2, -3, -4, -5, और फिर इसमें मिलाते हैं बी में कि कोई छूटा तो नहीं है ना, तो बी में हम माइनस देख रहे हैं तो माइनस बी इसमें नहीं है, जबकि ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी में से कोई भी एक में चलेगा तो हमको लेना होगा। ठीक है, तो माइनस दस तो इसमें है नहीं, तो माइनस दस इसमें लिखेंगे क्योंकि सारे लेना है जो ए में हो चाहे बी में हो। दो आ चुका है, तीन नहीं आया हुआ है, तीन लिख देंगे। चार नहीं आया हुआ क्योंकि माइनस चार है तो चार लेना पड़ेगा हमें। माइनस पाँच, पाँच है, माइनस पाँच नहीं है तो माइनस पाँच लेना होगा। माइनस तीन है, बस ये तुम्हारा हो गया ए यूनियन बी। ये चीज़ समझ में आया यूनियन का मतलब। अब तुम खुद एग्जांपल एक देते हैं, जैसे मान लो ए बराबर है तुम्हारा 2, 4, 5, बी बराबर है तुम्हारा 10, 8, 6। अब हम तुमसे पूछेंगे कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, तो दोनों में से कोई में कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सारा, चाहे ओ में हो वो भी चलेगा, बी में हो वो भी चलेगा, मतलब सारा एलिमेंट ले लेना है तुम्हें, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो 2, 4, 5 लिख देंगे और 6, 8, 10 लिख देंगे, कोई भी पहले लिखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो ए यूनियन बी ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, जब इंटरवल हम पढ़ेंगे तब ए यूनियन बी का मतलब और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय एग्जाम्पल दूसरा दिया जाएगा। तो यूनियन का मतलब मोटा मोटी तुम समझ गए कि द सेट्स इन विच प्रेजेंट आइदर इन बी एलिमेंट्स विच प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, मतलब टोटल एलिमेंट्स जो ए और बी में हो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और ये सेट का प्रॉपर्टी खुद का है कि एक सेट के अंदर एक से अधिक बार एलिमेंट नहीं होता है, ये नहीं कि दो इसमें भी है दो इसमें भी है तो दो दो बार इसमें लिखेंगे,
नहीं, एक बार दो हो गया तो चल जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। तो तुम यूनियन समझ गए, अब हम लोग समझेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पहले इसको प्रिंट आउट कर लो और हम फिर मिटा के इसको लिखेंगे। अब देखोगे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन को एंड से भी लिखते हैं, यूनियन को और से भी लिखते हैं। यूनियन में और अगर बोला जाए ए और बी, तो इसका मतलब ए यूनियन बी ही होता है, ठीक है ना। ए और बी बोला जाए, चाहे ए यूनियन बी बोला जाए, उसका मतलब एक ही होता है। और इंटरसेक्शन में अगर हम बोले ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है, तो ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए एंड बी, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी हैव टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स सच सेट्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसा सेट होगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी जिसमें एक साथ ए और बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल ए का एलिमेंट हो उसमें, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, एक साथ प्रेजेंट हो। तो वन को देखते हैं, वन दोनों में है, नहीं है। टू दोनों में है, तो इस सेट में टू आ जाएगा। माइनस थ्री दोनों में है, तो हाँ माइनस थ्री यहाँ है और यहाँ है, तो माइनस थ्री भी ले लेंगे। फिर माइनस चार है, नीचे में नहीं है। पाँच है, नीचे में नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो साइमल्टेनियसली दोनों का दोनों में प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं तुम्हारे सामने, जैसे ए बराबर ले लिए 1 2 3, बी बराबर ले लिए 10 8 7। अब बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसा एलिमेंट जो दोनों में एक साथ हो। तो एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट में से कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसको बोलते हैं फाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब नल सेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल सेट। उसको कैसे दिखाते हैं, फाई से। इसका मतलब कि उन दोनों में कुछ भी नहीं है। फिर एक सेट ए ले लेते हैं, मान लो 1 2 -3 4 5, ऐसे ले लेते हैं। बी सेट लेते हैं 2 7 -3 5, ऐसे। अब बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, तो ये ढूंढते जाओ, एक को पकड़ो, देखो दूसरे में है कि नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि वो अगर होगा तो लिखेंगे और अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो वन दोनों में नहीं है, टू है, टू लिख देंगे, माइनस थ्री है, लिख देंगे, फोर है, नहीं है दोनों में, फाइव है, हाँ है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन का मतलब, ठीक है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब तुम समझ गए। तो ए एंड बी अभी अगर बोले तुमसे कि ए एंड बी बताओ क्या होगा, तो ए एंड बी भी वही लिखेंगे जो कॉमन दिख रहा है। जैसे इन दोनों में ए एंड बी पूछेगा तो 2, -3। अगर ए यूनियन बी पूछता या फिर ए और बी पूछता, ए और बी, तो इसका मतलब दोनों में जो एलिमेंट हो जो पहले लिखे थे 1 2 -3 -4 5, फिर -10 भी लिखे थे, 2 तो था ही, 3 नहीं लिखे थे तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, -5 लिखेंगे और -3 तो हम लिख चुके हैं। तो ये ए और बी पूछेगा तब। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब समझ गए। अब एक चीज़ समझ लो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, उसको भी लिख देते हैं, कोई से लिखे नहीं है लेकिन बता देते हैं कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, देखिए ए माइनस बी का मतलब होता है कि इफ़ ए एंड बी हैव टू सेट्स, जैसे दो सेट्स हैं आपके सामने, देन ए माइनस बी, देन ए माइनस बी मीन्स सच सेट्स इन विच एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट इन बी। मतलब ए माइनस बी ऐसे सेट्स का एलिमेंट है, ऐसे सेट्स का एलिमेंट्स है जिसमें ए का तो एलिमेंट प्रेजेंट हो लेकिन बी का नहीं प्रेजेंट हो, लेकिन बी का प्रेजेंट नहीं हो। अब खुद बताओ तुम कि ए माइनस बी का मतलब तुम क्या लिखोगे,
ऐसा ढूंढना है ए जिसमें बी नहीं मैच करता हो। अगर वन है तो बी में नहीं है तो वो चलेगा, ठीक है। अब टू है, टू इसमें भी आ रहा है, तो हमको ए का वही एलिमेंट लिखना है जो बी में नहीं है। मतलब ये नहीं कि ए पूरा लिख देना है, ए का बस वही एलिमेंट रहेगा जो बी में नहीं हो। तो टू तो बी में है तो टू नहीं लिखेंगे, माइनस थ्री बी में है तो ये भी नहीं लिखेंगे, माइनस फोर बी में है नहीं है तो ये लिख देंगे, फिर फाइव बी में है नहीं है तो ये भी लिख देंगे, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए का तो एलिमेंट्स होगा लेकिन वही एलिमेंट्स होगा जो बी में नहीं है। अब तुम वेन डायग्राम से ए यूनियन बी का मतलब समझ लो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब समझ लो और ए माइनस बी का मतलब समझ लो। जैसे वेन डायग्राम है तुम्हारे पास, अब ये एक ए एलिमेंट है और ये एक बी एलिमेंट है। अब हम तुमसे पूछे कि ए यूनियन बी बताओ हमें, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, ऐसा एलिमेंट जो ए में हो बी में हो या दोनों में हो वो सब चलेगा। तो ए यूनियन बी ये पूरा रिप्रेजेंट करता है, ए में हो तो भी चलेगा, बी में हो तो भी चलेगा और ये जो दिख रहा है तुम्हें ये दोनों में प्रेजेंट है तो ये भी चलेगा, मतलब ये सारे चलेंगे, ये सारे रंगे जाएंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जैसे मान लो दो सेट ऐसे हों, ये ए हो और ये बी हो, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, तुम खुद सोचो। ऐसे एलिमेंट जो दोनों के दोनों में हो, तो ये एलिमेंट तो बी में नहीं है, ये एलिमेंट भी बी में नहीं है, लेकिन ये ए में भी आ रहा है और ये बी में भी आ रहा है, तो केवल ये एलिमेंट, तो इसको हम बोलते हैं क्या भाई, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आता है ए माइनस बी की बारी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो ये एक ए सेट है ये एक बी सेट है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ऐसा एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, तो ए का सारा पार्ट में से ही आंसर होगा लेकिन वो पार्ट होगा जो बी में नहीं है। तो जो बी में नहीं है तो बी में केवल इतना ही ना पार्ट है ये वाला, तो ये आंसर होगा तुम्हारा, ये जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें इधर वाला, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा ए माइनस बी। अब तुमसे कोई पूछे कि बी माइनस ए क्या होगा, तो तुम समझ गए बी का वो सारा एलिमेंट लेकिन ए वाला को छोड़ के। अब जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये है ए है बी है, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, बी का ही एलिमेंट लेना है लेकिन ए को छोड़ देना है, तो ए का पार्ट ये है यानी कि ये, ठीक है, ये समझ गया तुम लोग, ये वाला पार्ट लेना है। तो क्या हम लोग ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी बराबर ए ए छोड़ के ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए का लेना है लेकिन जो ए और बी दोनों में है उसको हटा देना है। बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब हो गया ये b माइनस ए है। तो ये रहा तुम्हारा यूनियन इंटरसेक्शन और a माइनस बी के बारे में। अब हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।